भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ता कैसा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और खासकर मुंबई हमले के बाद दोनों ही देशों के बीच एक भी सीरीज नहीं खेली गई। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एशिया कप या फिर आईसीसी द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों में ही होता है, और दोनों ही देशों के बीच मुकाबले से पहले माहौल कैसा बन जाता है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों तरफ की मीडिया में भारत पाकिस्तान के मुकाबले से बहुत पहले से ही मैच को लेकर माहौल बनना शुरू हो जाता है, और आखिर तक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे ये क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के बीच जंग हो रही हो। वहीं इस हाई वोल्टेज मुकाबले में खिलाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा मानसिक दबाव होता है। खैर, T20 विश्व कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ था और भारत ने पाकिस्तान पर रोमांचक जीत भी हासिल की थी। उसके बाद एक विवाद छिड़ गया जब BCCI सचिव जय शाह ने बयान दे दिया कि अगले साल 2023 में होने वाली एशिया कप खेलने भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। वहीं इस बयान के बाद PCB की तरफ से भी बयान आया कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी जब शुरू हुई तो बहुतों ने इस राजनीतिक आग में अपने हाथ भी सेकने का काम किया, और अभी भी ये विवाद चल ही रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। इसी बीच एक और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने इस मुद्दे पर बयान दे दिया है, और BCCI और PCB दोनों ही बोर्ड की आलोचना की है और क्रिकेटरों को राजनीति से दूर रखने की सलाह भी दी है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा है, खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए और भारत को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। क्रिकेट को राजनीति से अलग होना चाहिए। इस पर मत जाइए कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, बोर्ड को फैसला करने दीजिए। तो इस तरह से पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने राय रखी है। आपको बता दें कि अगले साल पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी करने वाला है और भारत वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ऐसे में BCCI सचिव जय शाह ने साफ तौर पर पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और कहा कि टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाए। जय शाह के बयान के बाद PCB ने भी बयान दे दिया कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। वैसे अभी भी इसका कोई समाधान नहीं निकला। भविष्य में इस मसले को लेकर क्या फैसला किया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान के बयान को कैसे देखते हैं? आखिर क्रिकेट में राजनीति कौन कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं।